बिहार सरकार का खेल, बिल्ली को दूध की रखवाली, सेवानिवृत्त पूर्व डीजीपी जो पहले से आरोपित है उनको सिपाही भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष, हमने आपत्ति उठाया था। पेपर लीक होने के बाद भी उन्होंने कहा कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई रद्द नहीं होगा। आज इतना मामला उजागर हुआ है, 150 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा जब से रद्द हुई है तब से लगातार नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा बिहार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, साथ ही वो परिषद के अध्यक्ष एक्सके सिंघल को भी अविलंब बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। विजय सिन्हा का ये दावा है कि परीक्षा के पेपर लीक होने वाले हैं, इसकी जानकारी पहले ही मिल गई थी और अध्यक्ष को भी इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन अंतिम समय तक अध्यक्ष एसके सिंघल ये कहते रहे कि किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं है, पेपर लीक नहीं होने वाला है। और आखिरकार इस पूरे मामले में पेपर लीक भी हुआ और अब इस मामले में लगभग 150 से ज्यादा लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। इसको लेकर विजय सिन्हा लगातार बिहार सरकार पर हमलावर है, क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं विजय सिन्हा, ये हम आपको पहले सुनाते हैं। बिहार सरकार का खेल, बिल्ली को दूध की रखवाली, सेवानिवृत्त पूर्व डीजीपी जो पहले से आरोपित है उनको सिपाही भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष, हमने आपत्ति उठाया था। पेपर लीक होने के बाद भी उन्होंने कहा कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई रद्द नहीं होगा। आज इतना मामला उजागर हुआ है, 150 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो गए हैं। आज आप ईएयू को आर्थिक अपराध इकाई में किन लोगों को बैठाए हैं जो ईमानदारी से जांच नहीं कर सकता, जो शासन में बैठे लोग करेंगे उसी को करना पड़ेगा। उसी तरह से आप दारोगा भर्ती का हो, अमीन भर्ती का हो, सब में पेपर लीक। ये बेरोजगार बच्चों के पैसे का परीक्षा देने में जो खर्च होता है, रहने ठहरने में जो परेशानी होती है, इसको मुआवजा देते हुए आप सीबीआई से जांच कराइए और बच्चों के प्रतिभा का हनन का जब तक न्याय नहीं मिलेगा सड़क से सदन तक हम लड़ाई लड़ेंगे। अभी आपने सुना नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा को किस तरीके से वो जब से सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द हुई है वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि परिषद के अध्यक्ष एसके सिंघल को अविलंब बर्खास्त कर दिया जाए और साथ ही ये कार्रवाई हो कि किस तरीके से बार बार बिहार में ये पेपर लीक की घटनाएं आखिर होती क्यों हैं। साथ ही उन्होंने अभ्यर्थियों के रहने खाने में जो खर्च होता है उसको लेकर भी उनका भुगतान करने की मांग की है बिहार सरकार से, मांग की है कि बिहार सरकार को अभ्यर्थियों को जो उनका खर्च हुआ है उसका भुगतान उन्हें देना होगा। और साथ ही विजय सिन्हा बिहार सरकार पर साफ तौर पर ये आरोप लगाते हुए नजर आए हैं कि बिहार में लगातार ऐसी घटनाएं होती रहती हैं लेकिन बिहार सरकार गंभीरता से इसकी जांच नहीं करती, और क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं विजय सिन्हा ये आपने सुना। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।